आज हमारी बैंकर्स रिव्यू मीटिंग है जम्मू डिवीज़न में। मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की हिदायत में प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक अहम स्कीम है। इस पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है। जितना स्कीम में सब्सिडी है 35%, उसको एनहेंस किया गया है 10 लाख से 20 लाख सर्विस सेक्टर के लिए, 25 लाख मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को 50 लाख पे एनहेंस किया है, अर्बन एरिया को इंक्लूड किया गया है। अभी तक इस फाइनेंशियल ईयर में हमने क्या अचीव किया, हमारे बेनिफिशरीज़ के केसेस किस कारण रिजेक्ट हुए हैं और उन लोगों का केस जो रिजेक्ट हुआ है उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, जिससे हम अपने यूथ, अपने नौजवान, अनएम्प्लॉयड, अनएजुकेटेड, एजुकेटेड यूथ, उनको कैसे हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूं कि हमारे टारगेट्स जम्मू डिवीज़न में 640 थे और हमने ऑलरेडी 1860 अचीव किए हैं, जिससे हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है करीब 5120। हमारा प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो जम्मू कश्मीर, न सिर्फ जम्मू कश्मीर, पूरे मुल्क में एक अहम स्कीम है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए और जनरेट करने के लिए। जम्मू कश्मीर का यूथ बहुत ही मैं कहती हूँ बहुत ही डिटर्मिनेशन और ऑनेस्टली इन स्कीम्स का फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने यूनिट्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं और खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत सिर्फ 1% NPA रेट देख रही है, जो आज की मीटिंग से हमें पता चला। मीन्स लोग इन स्कीम्स का फ़ायदा सिर्फ सब्सिडी के लिए नहीं ले रहे हैं, जैसे कि हमारी स्कीम टोटल ट्रांसपेरेंट, पेपरलेस और हर कोई व्यक्ति, चाहे नोडल एजेंसी एज अ खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड और बैंकर्स, अकाउंटेबल है।